करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आम इंसान के लिए है जो कोपवाड़ा में आते हैं, उन सब के लिए है ये खासकर। हम नहीं कहेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, हमारा टाइम जाया हो रहा है, नहीं। एक आम शहरी जो यहाँ पे बसर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल पेश दरपेश हो रही है। दूसरा मसाइल है हमारा, मैं एडीजी साहब से और एक गुजारिश करता हूँ, मैं हर मीटिंग में हर बार ये कह रहा हूँ, कोपवाड़ा नॉर्मल से कोपवाड़ा जो मेन हाईवे नेशनल हाईवे है सर, वो अभी तक सिंगल, कोई बात उस पर नहीं उठा रहे हैं कि अगर आज तक गाड़ियां बेहद ज्यादा है अगर ड्राइवर हजरात को टाइम। दूसरी बात हमारे पिछली बात जब भी इलेक्शन हुई नहीं उनको रिलीज किया गया, इवन कि हमारी गाड़ियां जो है ना ड्रॉप हो गई है। मैंने जीएसटी सगम को सर उसका अमाउंट आज एक साल होने वाला है सर उसकी पेमेंट, इवन की गाड़ी लिस्ट भी नहीं है सर, ऐसी तकरीबन मेरी 20-25 गाड़ियां जो लिस्ट भी नहीं है सर। प्लीज लुक इन टू द मैटर। मैं एयरपोर्ट कोपवाड़ा से बात कर रहा हूँ, ये खाली सोमस्टेट कोपवाड़ा की बात ही नहीं, मैं पूरे खाली कोपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये सब मसला नहीं है, नॉर्थ कश्मीर कश्मीर की बात है सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर से भी कुछ प्रेजेंट आए हैं बारामूला से ये इश्यूज उठाने के लिए सर। सर सर्दियां है, सर्दियों में अब हमारी गाड़ियां जो हिली एरियाज में जाती है सर, हिली एरियाज में जा, अब अगर ड्राइवर चेन्स लगाता है रिस्क लेता है उस चेन्स लगाने में उस पे गाड़ी में भी थोड़ा के बीच में क्लैशेस ना हो सर। ट्राई की थी लेकिन उसमें अभी भी काम नहीं हो रहा है सर, उसमें भी आप देख लीजिए। और दूसरा मसला हमारा जो पहले भी हमारे भाई ने यहाँ पे उन्होंने आपसे बात की थी, हैरान हो जाओगे आप लोग सोचते कैसे, वहां पे सब मीडिया की बरादरी थी, मैं खुद अंदर चला गया हॉस्पिटल में, 3 मिनट का गैप था हॉस्पिटल के अंदर, जब मुझे लगा यहां रश हो जाएगा तो मैंने सोचा यार कोई शीशा विशा ना तोड़ दे तो बेटर है, मैं खुद बाहर आया। वहां पे जो बुजुर्ग था उसकी एक स्टोरी थी, अब मुझे पता नहीं हंच हुआ या अल्लाह का करना था, मेरे दिमाग में आया कि मैं इस लड़के से पूछता हूं, मैंने उससे स्टोरी पूछी, उसने दूसरी स्टोरी बोली, इस आदमी ने उसको गालियां निकाली वहां, अगर आपने कोई वीडियो देखा हो उसे गालियां निकाली वहां उसको। अब मुझे आप बताइए, फिर उठा के उन बॉडीज को सड़क पे लाया, फिर पुलिस आई, अब मेरी बात सुनिए, अगर वहां पे नुकसान हो जाए तो किसको अच्छा लगेगा कि अगर किसका नुकसान हो जाए, वो हॉस्पिटल भी तो आप लोगों का ही है। ये बहुत ही मुश्किल बड़ा काम है मगर ये पॉसिबल है, आप अपने एक आदमी कर लीजिए, अगर आप में से कोई बड़ा इंटरेस्टेड हो पढ़ने वढ़ने में, या मोबाइल फोन तो आप लोगों के पास होते ही है, मोबाइल फोन लगभग हर किसी के पास होगा, एक आदमी है स्टीव जॉब्स नाम से, ये एप्पल फोन उसी का है, उसको पूछा गया कि आपको क्या लगता है सबसे अच्छा क्या रहा आपके साथ, मतलब गैराज से शुरू करके गैराज में काम कर रहा था, फाइनली अभी बिलियनियर्स में था, एप्पल इज ए बिलियन डॉलर कंपनी, उसका कोई ये नहीं है, वर्ल्ड की शायद बड़ी इकोनॉमी में एक कंपनी वो भी है, उसको 70% कंट्री से ज्यादा बजट है उसका, पॉलिसी रहती है हमेशा उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और हम आपके माध्यम से आपके हिसाब से उनको फॉलो भी करते हैं, आप ही पर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर्स ने एक बात कही कि हमारे चालान ज्यादा हो रहे हैं या कोविड चालान किए जाते हैं या रेड क्रॉस के, अगर हम देखा जाए तो बहुत से ड्राइवर साहिबान के पास कागज भी नहीं होते, आप खुद पता है, बहुत से ड्राइवर साहिबान के पास आप कह रहे थे 7 और 9 की बात, 11-11 को भी देखा है गाड़ी में पैसेंजर्स बिठाए हुए, 10-10 को भी देखा है ड्राइवर के साथ में भी बैठे होते हैं, अगर इन चीज़ों को भी देखा जाए तो गाड़ियां सीज होने के काबिल होती हैं, हम इन चीजों को भी दरगुजर करते हैं। कैब के बारे में है, वो तो प्रोटोकॉल जो है फॉलो करना होता है, हर एक ने फॉलो करना है, उस चीज के लिए हम कोविड के फाइन करते हैं जिसको आप रेड क्रॉस कहते हैं, अगर हम फाइन करने पर आए गाड़ी भी सीज करेंगे, जो आपके पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनको भी, तो ऐसे बड़े मसाइल होते हैं। दूसरा आपने ये बताया ड्रग्स के बारे में, इसमें कोई शक नहीं कि ड्राइवर तबका जो है बदनाम माना जाता है, किया जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो हमने जितने भी
ड्रग वालों को, ड्रग पैडलर्स को, कंज्यूमर्स को पकड़ा तो ज़्यादा तौर पर ड्राइवर ही निकले, आपके गवाह, आप भी गवाह होंगे। ज़्यादा तौर पर हमने उनको ही पकड़ा। जब उनको आधा ग्राम एक ग्राम पकड़ते हैं उनसे पूछते हैं, फिर हमें लीड मिलती है कि कहीं कहीं से वो भी इन्वॉल्व होते हैं। मैं, मेरा ये मैसेज है, जो भी गवर्नमेंट का काम है जो हमारे डोमेन में है, जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में है, हम किया करेंगे। जो एडीसी साहब की ज्यूरिसडिक्शन में, एआरटीओ साहब की ज्यूरिसडिक्शन में है, वो ये किया करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल्स को, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को हर एक ने फॉलो करना है, सो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आजकल के डेट में जैसे ड्राइवरों को चप्पल लगाते हुए भी देखा गया, आज तो चलो गर्मी है, सर्दियाँ हैं, आज तो नहीं लगे, लेकिन अक्सर देखा गया है जो आपके प्रोटोकॉल के खिलाफ है। पहुंचा दी ना, वायलेशन किसी भी तरह की, किसी भी तरह की वायलेशन, चाहे वो ओवरलोडिंग की वायलेशन, चाहे वो ओवरचार्जिंग की वायलेशन, चाहे वो राइट साइड पैसेंजर की वायलेशन, इन वायलेशंस को बर्दाश्त नहीं किया जाए। बाकी जो हम तक होगा, जो मुझ तक जो सपोर्ट होगी आपको, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप मेरे पास आओ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैंने कहा, कुछ लिमिटेशंस मेरी भी हैं, लिमिटेशंस मेरी भी हैं। अगर मैं रात के 10 बजे तक भी काम करता हूँ, कुछ तब भी पेंडिंग रह जाता है। मैं बताता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, कुछ रह जाता है पेंडिंग। उसमें थोड़ा बहुत आप भी अगर बर्दाश्त करोगे तो हम आराम से जो है इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के ट्रांसपोर्ट को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग हमारा, हम डिपार्टमेंट्स का, हर डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का सपोर्ट करें। जो भी लॉज बनते हैं, जो भी रूल्स बनते हैं, उनको फॉलो करें। तो हम तक, हमारे तक जो होगा, हमारे डिपार्टमेंट तक जो होगा, हम हर वक्त अवेलेबल है। मैं पर्टिकुलरली हर वक्त अवेलेबल हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू डिपार्टमेंट। बट एक चीज़ है, जो गिवन रिसोर्सेज में जो लोग काम कर रहे हैं, अवर हमारी सिर्फ ये रहेगी कि दे डू द लीगल वर्क, लीगल करें और हम उनको वो लीगल वर्क में फैसिलिटेट करेंगे। बट इश्यूज़ एज फार एज इश्यूज़ आर कंसर्न, वहाँ बहुत बड़ा, अभी जो आपने कहा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, मुमकिन में भी हमने यहाँ लोगों को गाड़ियाँ दी सिर्फ, और हमने उस वहाँ पे भी कहा, इस वक्त भी मैं कह रहा हूँ कि वो अगर लीगली काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट। उनको सर के लिए वो है नहीं, वो वो